मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत तो करके देख। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आलोक उपाध्याय आपका वाराणसी डिफेंस एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो मैथ का जो भी क्वेश्चन इस समय चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, उसमें सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए हम आज आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने चल रहे हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज नए सेशन की तरफ। नया सेशन में आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखें और रिवीजन करके ही प्रश्नों में एग्जाम में जाएं, जिससे कि दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और प्रश्न बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं इस समय, तो ध्यान में रखें और आगे क्वेश्चन करें। तो ये देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलें। पहला क्वेश्चन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलें। यानी यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखें तो हमें क्या है, ये चाल समय दूरी से प्रश्न है। 90 किलोमीटर क्या है, ये 90 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। तो याद रखिए, किलोमीटर पर आवर ये बड़ा है और मीटर पर सेकंड छोटा है। तो यहां आपको जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप हमेशा तुरंत किससे गुणा, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी यहाँ पे प्रश्न में 90 × 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 5 = 55, 5 × 5 = 25। यानी 5 × 5 = 25, यानी 25 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन जाता है बी की तरफ, 25 मीटर पर सेकंड। यानी अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो भाई 5/18 से गुणा करिए तो मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। यानी देखो, ये बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी को क्या बनाना है, छोटा, तो छोटे से गुणा। और यदि मीटर पर सेकंड को बदलना हो किलोमीटर पर आवर में, तो ये छोटा आदमी है, इसको बड़ा बनाना है तो बड़े से गुणा 18/5। यानी ये आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है पर आवर में, तो 18/5 से गुणा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक गाड़ी ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तथा पुनः 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आती है, पूरी यात्रा में औसत गति क्या है? ये प्रश्न अभी एग्जाम जो चल रहे हैं, सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। तो इस पे देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है कि इसमें एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, यानी ए से बी तक दूरी है, इसको कोई जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, इस स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर से, और वापस आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। और यहाँ पे जब दूरी, यहाँ से ए से बी गया, बी से ए आया, दूरियां समान है, जब दूरियां समान हो और अलग अलग चाल से तय की जाए, तो औसत चाल, एवरेज स्पीड बराबर, याद रखें दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लें, 20 × 30, और नीचे दोनों को जोड़ दें तो 20 + 30। लेकिन साथ में एक बार गया एक बार आया, इसलिए ऊपर 2 से गुणा करिएगा, तो काट पीट दीजिए, आंसर मिल जाएगा। यानी 2 × 20 × 30 / 50,
50, ये जीरो जीरो कट गया, 5 चौक 20, तो 4 × 8 = 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आएगी। कभी ये मत करिएगा 30, 20, 50 जोड़कर आधा कर दें, कभी करेंगे तो गलत हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यहां आंसर जाता है किसकी तरफ, यहां पे आंसर आपका मिल रहा है 25, नहीं 25 गलत हो जाएगा, आपको करना कितना है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई समान, जब समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर दोनों चालों का गुणनफल डिवाइड बाई दोनों चालों का योग और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, यानी एवरेज स्पीड के लिए कभी इसका सूत्र ही पूछा जाता है, तो 2 × x × y / x + y, ये जब दो समान दूरियां तय की जाए अलग अलग चाल से तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंजलि अपने वास्तविक चाल के 5/4 से चलकर अपने ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो वास्तविक चाल से लगा समय कितना होगा। यानी यदि कोई अपने वास्तविक चाल यानी 5/4, यानी जाना था 4 किलोमीटर पर आवर से, जा रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर से, तो बताइए वह ऑफिस जल्दी पहुंचेगा तो कितने मिनट पहले पहुंच रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो बताइए वास्तविक चाल से लगा समय कितना है। तो आप क्या करें, इसके जो ऊपर है उससे पहले क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस से आपको, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 और 4 का डिफरेंस 1, 1 = 10, 1/5 यानी 5 − 4 = 1, 1 = 10 मिनट, 1 = 10 मिनट, यानी 1 भाग का अंतर में 10 मिनट का कमी आ रही है, 1 = 10 मिनट, तो आप नीचे से गुणा कर देंगे तो 10 × ऊपर से गुणा करना है, ऊपर से 10 × 5 = 10 / 50 मिनट, यानी 50 मिनट पहले लगता। और अगर बाद में अगर चाल देखा जाए तो अगर चाल जो 5 हो गया उसके से 10 × 40 मिनट का समय लगता, तो वास्तविक चाल से लगा समय जो होगा, तो वास्तविक चाल से लगा समय कितना होगा, तो ये कहेंगे 50 मिनट। कितना, वास्तविक अगर चाल से जाता तो वही दूरी तय करने उसे 50 मिनट का समय लगता। यानी आपको करना है इन दोनों का डिफरेंस 1, 1/10 के, और 1/10 के अगर वास्तविक चाल पूछा जाए तो ऊपर से गुणा करिएगा तो 10 × 50 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 73 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या होगी, ये क्वेश्चन अभी पेपर जो चल रहा है उसका है। तो इतना छोटा सवाल देखिए, 4 सम प्राकृत संख्याओं का औसत 73 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो याद रखिए, देखिए 4 सम संख्या है और उसका औसत 73 है और वो लगातार संख्याएं हैं, तो इस कंडीशन में ये औसत 73 है। और जब देखिए ये 4 सम संख्या, 4 आए 6 आए 8 आए, तो इस कंडीशन में अगर 10 आए तो इस कंडीशन में जो औसत होगा सम वाले में विषम होगा और विषम वाले में सम होगा। तो इसलिए अगर ये जो औसत 73 है इसको ये बीच में रखो, इससे पहले जो सम संख्या आती है वो 72 और इससे पहले जो आती है वो 70, और अगर बाद में देखें तो 73 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी, 74, और इसके बाद आती है 76। तो आप ये देखें तो ये 4 सम संख्या, 1, 2, 3 और ये 4, अगर चारों सम संख्या की बात किया जाए तो ये है जिनका औसत निकालने पे 73 आएगा। तो सबसे बड़ी, यहां बोला है सबसे बड़ी, तो ये सबसे बड़ी संख्या है 76, और सबसे छोटी बोला जाता तो आप बोलते 70, तो आंसर कौन सा, 70 की 76, तो 76 जाएगा, कौन सा आंसर जाएगा, 76।
यानी चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 73 है, तो बड़ी संख्या आपकी 76 होगी। ठीक है, ऐसे ही आगे के क्वेश्चन में अगर देखा जाए, आगे हो सकता है कि अगर कहा जाए कि ये बताइए 6 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का 6 सम संख्याओं का औसत एवरेज कितना है, मान लीजिए कि 81 है। अगर 81 है तो 81 आप बीच में रखें, इसके 3 इधर लगा दें और 3 इसके इधर लगा दें। कौन सी सम संख्या? 81 के पहले 80 आता है, 80 के पहले 78 आता है, 78 के पहले 76 आता है, और इधर 83 आता, 82 आता है, 84 आता है, और ये 86 आता है। इस तरीके से आप प्रश्न बना लीजिए जल्दी से। अगर बड़ी पूछा जाए तो 86 और छोटी पूछा जाए तो 86 और 76, और अगर 6 संख्या पूछा जाए तो ये आप निकाल दिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर विषम की बात कर दिया जाए कि अगर मान लीजिए कि 5 विषम संख्याओं का, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर बोल दिया जाए कि 80 है, कितना है 80 है, तो सबसे छोटी संख्या तो 80 आप रख दें, नहीं 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 80 नहीं, आप ये 75 रखो, कितना है 75 है। अगर ये 75 है तो आप 75 रख लिया, तो ये जो संख्या 5, 3 संख्याएं हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, अगर ये विषम संख्याओं की बात हो तो एक संख्या आप जो 75 है वो खुद वह संख्या होगी, तो 75 हो गई। जो 4 बच रही है तो 4 के मतलब 2 पीछे लगाएं, 2 आगे लगाएं, तो पीछे का मतलब है कि इसके पहले आएगी 73, इसके पहले 71, और इसके बाद में 77, और ये 79, तो ये सभी संख्याएं मिल जाएंगी। इस तरीके से प्रश्न को आप बना सकते हैं चुटकी भर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन है, तो घन का आयतन का मतलब है कि आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए। घन का आयतन का फार्मूला है a क्यूब, कितना भैया a क्यूब, और घन का आयतन, ये प्रश्न भी एग्जाम का आया हुआ है, अभी जो चल रहा है एग्जाम उसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या है। तो बताओ, अगर जिसको सूत्र नहीं पता होगा कि भाई a क्यूब होता है, a क्यूब यानी भुजा का क्यूब, तो यानी 4 × 4 × 4, तो आप कहेंगे 4 × 16 = 64 घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन कहां जाएगा ए की तरफ, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन एग्जाम के हैं, तो ये छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, बस केवल फार्मूला याद रहे तो आप काम कर सकते हैं। यानी घन का आयतन कितना ए क्यूब। अभी देखिए घन का आयतन पूछ लिया, हो सकता है अगले क्वेश्चन में आयतन दिया हो, भुजा पूछ ले, तो आपको क्या करना है, बस क्यूब रूट निकाल लीजिएगा। यहां घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² वक्र पृष्ठ नहीं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² और विकर्ण निकालना है। अगर विकर्ण निकालने के लिए बोला जाए तो a करणी में 3, तो ये तीनों फार्मूले आप कम से कम इस घन से याद करके जाएं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², विकर्ण की लंबाई a करणी में 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। त्रिभुज के 2 कोणों क्रमशः 50° और 60° है, तो तीसरा कोण बताइए। यानी अच्छा ये बताओ महापुरुष लोग कि ये अगर एक कोण 50° का दे दिया जाए, एक कोण 60° का दे दिया जाए, तो ये बताओ त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180° होता है, तो इन दोनों को जोड़ो, 6 5 11 110
60 प्लस 50 बराबर 110 है, और ये तीनों मिला के 180 होना चाहिए, तो इसमें से 110 घटा लोगे, इसका आंसर 70 डिग्री। कितना डिग्री? 70 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में इस समय। दो संख्याओं का योग, याद रखें दो संख्याओं का योग 12 है और गुणनफल 35 है, तो संख्या होगी। दो संख्याओं का योग 12 और गुणनफल 35 है तो संख्या होगी। तो देखें आप कि जब भी दो संख्याओं का योग करें तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, लेकिन जब इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करें तो 35 आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन से कर सकते हैं कि अगर हम 6 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा, जो कि गलत हो गया पहला ऑप्शन। 7 और 5 12 है, जोड़ने पे 12 आ रहा है। 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 7 बचे 35 भी आ रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। वैसे 4 और 8 जोड़ेंगे तो 4 8 12 होगा, लेकिन 4 और 8 का गुणा करेंगे तो 4 8 32 होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। 6 और 2 न तो जोड़ने पे 12 आ रहा है न तो गुणा करने पे, तो ये तो ऑप्शन गलत है। रहा बात, केवल बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी x प्लस वाई बराबर 12 तो x इंटू वाई बराबर 35 है, x इंटू वाई बराबर 35। तो आप देखिए कौन सा आपका प्रश्न सही है आंसर। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप इसको बिना कुछ किए देरी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12x-1 = 143, तो x का मान ज्ञात करें। तो 12x-1 = 143। अच्छा ये बताइए 12x ये संख्या ना भाई, ये संख्या है तो संख्या को एक साथ कहो कि तुम बेटा कर क्या रहे हो तुम यहाँ, तुम संख्या हो, संख्या संख्या के साथ हो जाओ। तो ये हो जाएगा 12x बराबर कितना? 144, 144। तो x बराबर कितना? 144 डिवाइड बाई 12, तो आंसर होगा 12। x का मान कितना भाई? 12, ये आंसर होगा। माइनस है उधर जाने पे क्या होगा? प्लस होगा, और 143 में एक जोड़ देंगे तो 144, और 12x का मान 144 तो 1x का मान 12, तो ऑप्शन जाता है कौन सा? ए ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और प्रॉब्लम को देखते हैं। राजू जब अपने विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तब वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से विद्यालय जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी, ये चाल समय दूरी का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उम्मीद करें तो दिखने में ये बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही छोटा प्रश्न है। यानी अपने विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये उसका घर है, ये अपने घर से विद्यालय जो है किस चाल से जा रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है। तो यहां पहुंचता है कितनी देरी से? 15 मिनट देरी से पहुंचता है। और अगर यही फेरी अपनी चाल 10 किलोमीटर पर आवर कर ले तो यह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या करता है? 15 मिनट पहले पहुंचता है। अब यहां एक 15 मिनट देरी और 15 मिनट पहले, तो दोनों का टाइमिंग देखा जाए तो आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है। जैसे कोई क्लास अगर 9 बजे है, कोई लड़का 9:15 पे पहुंचा और दूसरा लड़का है कि 9 बजे आना है लेकिन वह 15 मिनट पहले पहुंचा, यानी 8:45 पे पहुंचा, तो दोनों में देखा जाए तो कितने मिनट का अंतर है? आधे घंटे का। इसमें करना क्या है, दूरी पूछा है घर से दूरी, तो आप क्या करें, इनके चालों का गुणनफल करें। 5 गुणे 10 कर लिया। नीचे क्या करना है, दोनों को डिफरेंस लेना है, यानी पहले 5 से जा रहा था अब 10 से जा रहा है, तो पहले से कितना तेजी से जा रहा है? 5 से, तो कैसे? 10 माइनस 5
यानी चालों का अंतर, और गुड़े 15 मिनट देरी और 15 मिनट पहले, जब एक जगह देरी हो और एक जगह पहले हो। याद रखिए, जब एक जगह देरी और एक जगह पहले हो तो उस कंडीशन में हमेशा टाइम को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 15 15 30, ये मिनट है, 30 ये क्या है, मिनट है। इसको हम घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो ये 60 से भाग कर देंगे तो हमारा प्रश्न हो जाएगा, बस इसी को सोल्यूशन चाहिए, हमारा हो जाएगा। 30 31 30, 30 2 60, 2 से काटेंगे तो 2 2 2 5 10, ये आ जाएगा 5 गुणे 5 भागे, अभी यहाँ 5 है तो ये कट जाएगा 1 5, तो आएगा 5 किलोमीटर। यानी उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। कितनी है, 5 किलोमीटर। ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा से फिर कर देते हैं। देखिए, बस ये घर, ये विद्यालय, यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है और दोबारा ये जाता है 10 किलोमीटर पर आवर से। जब 5 किलोमीटर से जाता है तो 15 मिनट का इसे देरी होती है और अगले दिन 15 मिनट ये पहले पहुंचता है। याद रखिए, जब देरी और पहले हो तो ऐड करना है और जब देरी देरी हो तो भी घटाना है, पहले पहले है तो भी घटाना है। इनका आपस में गुणा करेंगे, 5 गुणे 10, डिफरेंस दोनों का लेंगे 5 और गुणे इन दोनों को, एक जगह देरी एक जगह वो, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 30 बटे मिनट हो जाएगा। 60 से भाग देंगे घंटा में बनाने के लिए, 30 इक्यानवे 30 30 दूना 60, 5 दूना 10 कट जाएगा, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम श्याम व मोहन किसी कार्य को क्रमशः 10 12 व 15 घंटे में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ दिनों नहीं, यहाँ घंटे, घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो याद रखें, तो ये राम है, ये श्याम है और ये मोहन है। राम करता है 10 घंटे में, ये 12 घंटा में, ये 15 घंटे। तीनों का एलसीएम ले लो तो आएगा 60, तीनों का एलसीएम 60 होगा। 60 में आप 10 से भाग करेंगे तो 6, 60 में 12 से भाग करेंगे 5, 60 में 15 से करें तो 4। कर दिया, ये इनकी क्षमता हो गई कि एक एक दिन में इनके द्वारा किए गए कार्य 6 5 4 है। तीनों मिलके कर रहे हैं तो तीनों को एडिशन करना, जोड़ देना, 6 5 11 4 15। एक दिन में ये 15 कार्य, तो 60 कार्य करने के लिए 60 बटे 15, यानी टोटल आपको 4 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का, 4 दिन का। यानी राम श्याम और मोहन ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। तो इस तरीके से प्रश्न आप बना लीजिए, प्रश्न एग्जाम में हमेशा देखने को मिल रहा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौरभ एक कार्य, एक लड़का सौरभ है, सौरभ एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। अनुज उस कार्य को करने में 20% अधिक कुशल है, तो अनुज को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहां 20% अधिक कुशल है, इसका मतलब होता है कि जो सौरभ है, ये जो सौरभ है और एक दूसरा लड़का जो अनुज है, इसमें सौरभ एक कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है ये दिया है, अनुज उस कार्य को करने में 20% अधिक कुशल है। तो अनुज कुशल है तो किससे, सौरभ से कितना, 20% अधिक। तो ये देखें, अगर इसकी क्षमता 100 है, इसकी क्षमता 120 होगी, सही है। अगर सौरभ की क्षमता 100 तो अनुज की क्षमता कितनी, 120, सही। तो ये क्षमता हो गया, क्या हो गया, ये क्षमता। अगर ये क्षमता है तो ये बताइए, इनका अनुपात देखें क्षमता का, तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100,
5:6। अगर ये 5:6 इनका क्षमता का अनुपात है, पावर का पी का, तो इनके द्वारा समय जो लगेगा इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी क्षमता का अनुपात समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कंडीशन में यहाँ ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी टाइम ये 6:5 का लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 6:5 का। इसमें अच्छा ये बताइए, सौरभ 6 दिन यानी 6x समय ले रहा है, तो 6x में कितना दिन ले रहा है? 24 दिन। तो यानी 6x बराबर देखा जाए तो 24 दिन, तो 1x का मान 4 आएगा, 1x का मान 4, और अनुज कितना 5 दिन लग रहा है, 5x, तो 5 × 4 यानी 5 × 20 दिन। यानी पहले आपको इसके क्षमता का अनुपात बना लेना है, फिर दूसरा काम है कि क्षमता के अनुपात से फिर आपको रिवर्स मारना है, आपको समय का अनुपात निकालना है। समय का अनुपात निकालते ही आप इनके कार्य को बांट सकते हैं कि ये कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार हमारा प्रश्न का आंसर है 20 दिन। अनुज को कार्य करने में कितने समय लगेगा? 20 दिन, ठीक है। तो इसको काट के आराम से बना दीजिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 घंटे में, बी व सी मिलकर उसे 15 घंटे में, तथा सी और ए उसे 20 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जा रहा है, किसी किसी में दो दो क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो आप ध्यान से हर टाइप इसके क्लियर करके जाएं, हो सकता है कि इस दिन ये टाइप आया है तो अगले दिन दूसरा टाइप भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप हर टाइप को पढ़ के जाएं, दो क्वेश्चन नहीं तो एक क्वेश्चन तो हर हाल में आना ही आना है। तो ए और बी ए प्लस बी ये दोनों मिलकर करते हैं 12 घंटे में, और बी और सी मिलकर करते हैं इसे 15 घंटे में, और सी और ए मिलकर इसे करते हैं 20 घंटे में, करते हैं, सही है। अब तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम होगा 60। कितना होगा? 60। भाग दीजिए 12 × 25 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12 जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाने पे ये टोटल है एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 60 कार्य है, तो 60 में आप 12 से भाग करेंगे, इससे 12 से भाग करेंगे, लेकिन आप तो कहेंगे 12 × 25 = 60, आंसर में हो सकता है कि आपका 5 दिन भी है, तो 5 दिन है तो 12 × 25 = 60, ठीक है। तो 12 × 25 = 60, 12 × 12 = 12, 12 × 25 = 60, आंसर क्या आपका 5 होगा? 5 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब दो दो का केस हो, जब दो दो का केस हो तो हमेशा याद रखें ऊपर हमेशा 2 से गुणा करना है, हमेशा 2 से गुणा करना है। क्यों करना है? उसका रीजन है कि यहाँ जो दो दो लोगों की क्षमता आया है, दो दो लोग यानी डबल लोग मिलके एक दिन में 12 कार्य करते हैं, तो सिंगल लोग उसी को 24 दिन में करेंगे, 24 काम करेंगे। इस तरीके से 5 × 10 यानी 10 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, यानी 10 दिन नहीं 10 घंटा, 10 घंटे में कार्य क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो 2 से गुणा करना मत भूलिएगा, जब दो दो वाले प्रश्न हो तो सेम प्रश्न है, बस इसमें क्या करना है, जब तीनों मिलके कर रहे हैं तो तीनों को जोड़ दीजिएगा। एक दिन का कार्य 12 है तो 60 में 12 से भाग किया, लेकिन दो दो वाले केस में ऊपर 2 से गुणा करिएगा जरूर, 5 × 10 घंटे, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए बी व सी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, ए बी और ये सी तीनों मिलकर कितने दिन में? 8 दिन में कर सकते हैं, तथा बी व सी, बी और ये सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। तो अकेले
उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कौन, यहाँ पे ए लिखना था तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम लें आप, 8 और 12 का एलसीएम कितना 24, 24 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। अच्छा ये बताइए, तीनों मिलकर एक दिन में तीन कार्य कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक दिन में तीन कार्य कर रहे हैं, जिसमें बी और सी एक दिन में दो कार्य कर रहे हैं, तो ए कितना करेगा, तो तीन में से दो घटा देंगे तो एक, 24 भागे एक कर देंगे तो ये 24 दिन में, कितने दिन में 24 दिन में, यानी एक अकेले कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा। आंसर कौन सा है सही, आंसर इसका आंसर गलत है, आंसर इसमें दिया गया नहीं है, आंसर आपका 24 दिन होगा, क्या होगा 24 दिन। तो इसमें एक ऑप्शन बना लीजिए कितना 24 डेज, कितना दिन 24 दिन। चलें आगे, अच्छा एक क्वेश्चन का इसका भी आंसर नहीं था, इसका आंसर था 5 × 10, तो 5 है एक, आप इसका आंसर, इसका आंसर यहां पे आपको 10 दिन बनाना होगा। थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाती हैं प्रिंटिंग में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए तथा बी अलग अलग एक कार्य क्रम से 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, तो दोनों का एलसीएम 12, ए 6 × 12, 12 × 9, 12 दोनों मिलकर, तो दोनों को जोड़ लें 2 × 1 = 3, 12/3 = 4 दिन, कितने दिन में 4 दिन में आंसर हो जाएगा। वैसे इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 6 × 12 डिवाइड बाय दोनों को जोड़ दें, 12 × 6 = 18, 6 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, यानी x(y)/x + y। इसका भी प्रयोग करके आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर जाएगा डी की तरफ, यानी इसका आंसर है डी, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए की कुशलता बी से दुगनी है, ए की कुशलता बी से क्या है दुगनी है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहां पे दिया है कि ए और ये दो बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं, कितने दिन में भैया 12 दिन में, और ए की कुशलता बी से क्या है दुगनी है, तो पहले देख लो इनका क्षमता का अनुपात बनाना होगा, क्षमता का अनुपात बना लीजिए कि इनका ए की कुशलता बी से दुगनी है, किससे बी से दुगनी है, अगर ये एक है तो ये कितना 2 होगा, ये अगर एक है तो इसकी क्षमता 2 होगी, तो ये अनुपात है 2:1, समय का अनुपात जस्ट इसका उल्टा होगा 1:2 हो जाएगा। अब यही आपका काम देगा, ये अगर समय ये x ले रहा है दिन, तो ये कितना समय लेगा 2x दिन लेगा, सही है, अगर ये ax दिन ले रहा है तो b कितना दिन लेगा 2x दिन लेगा, दोनों का एलसीएम आएगा 2x में x से भाग देंगे तो 2, और 2x में 2x से भाग देंगे तो 1, 2 × 1 = 3, 2 × 1 = 3, यानी 2x काम है, दोनों मिलके 3 काम करेंगे, और काम कितने दिन में हुआ तो 12 दिन में, तो यहां से 2x = 36, तो x बराबर आ जाएगा 18, x बराबर कितना आ जाएगा 18, तो ये a जो लेगा वो 18 दिन में करेगा
और बी जो करेगा वह करेगा 36 दिन में। कितने दिन में? 36 दिन में। तो आंसर कौन जाएगा? तो आंसर यहाँ पे सी आप सबका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पूछा गया है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 36 दिन में। और पूछा होता कि ए कितने दिन में करेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता, 18 दिन में। ठीक है, तो क्षमता वाले प्रश्न को इस तरीके से हमें करना है कि पहले अनुपात बना ले किसका, क्षमता का, और उसके बाद उसको समय के अनुपात में बदले, और बदल कर जैसा दिया गया वैसा प्रश्न को आप कर ले। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग होते हैं कि जैसे इसका आया था क्षमता का अनुपात, पावर का अनुपात 1:2, 2:1, और टाइम का आया था 1:2। अगर ये यक्ष दिन ले रहा है, ये दो यक्ष ले रहा है, दोनों मिलके 12 दिन में, तो इसको करते हैं दो यक्ष, यक्ष प्लस दो यक्ष बराबर 3 यक्ष बराबर 12 कर देंगे, तो यक्ष बराबर आ जाएगा 4। तो 4 ये 4 दिन में करेगा, वो 4 × 2 = 8 दिन में करेगा, ऐसा लोग निकालते हैं, लेकिन ये गलत है, कभी ऐसा मत करिएगा दोनों मिलके। तो आपको ये करना है कि ए करता है यक्ष दिन में, बी करता है 2 यक्ष दिन में, या तो ऐसा लगा के इसका एलसीएम निकाल कर काम कर लें, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 और ये जोड़कर 2 यक्ष / 3 = 12, तो यहां से यक्ष बराबर आ जाएगा 18, तो यहां से ऐसे काम करें। अदरवाइज ये यक्ष निकालने का अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट यक्ष इंटू वाई अपन एक्स प्लस वाई से भी निकाल सकते हैं, वहां यक्ष की वैल्यू आएगी और यक्ष की वैल्यू निकल जाएगी, तो 2 यक्ष आप निकाल देंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। अभी जो हमारा चल रहा है ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। अब शुरू हुआ, 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए रखी गई है, और तुरंत ही 30 छात्र और आ जाए, तो 120 पहले थे, बाद में 30 आ गए तो 150 छात्र हो गए, तो अब 150 छात्र भाई खाएंगे तो उतना दिन तो खा नहीं पाएंगे 45 दिन, तो 45 दिन नहीं खा पाएंगे तो यानी उससे कम दिन खाएंगे, अब कितने दिन खाएंगे वो देखना है। यहां पे बस कुछ नहीं करना है, एक काम करिए, M1D1 और M2D2 वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 120 छात्र थे, कितने दिन खाते थे? 45 दिन, और अब 120 में 30 छात्र और आ गए तो ये टोटल हो गए 150 छात्र, अब कितने दिन खाएंगे? तो D2, तो D2 बराबर 120 × 45 और डिवाइड बाय 120 + 30 कितना होगा? 150, 0 0 काट दें, 15 × 15, 15 × 15, 45 × 12, 36, कितना दिन खाएंगे? 36 दिन खाएंगे, यानी 150 छात्र कितने दिन? वही 45 दिन की जगह 36 दिन। कभी कभी इसी प्रश्न में बड़ा ढांसू कॉन्सेप्ट डालता है। अच्छा ये बताइए, पहले से कितना दिन कम चला? तो 45 दिन पहले चलना था, अब 36 दिन चला, तो पहले से कितना दिन कम चल रहा है? तो 45 − 36 कर देंगे तो 9 दिन कम हो जाएगा। तो कभी क्वेश्चन पूछे अगर तो इस तरीके से आप बता दीजिए, यहां पे आंसर जाएगा डी की तरफ, 36 दिन। क्लियर है? ये सैनिक छावनी करके भी प्रश्न इससे बनते हैं, तो नाम बदल देता है, तो लेकिन ये तरीका वही है, थोड़ा सा कभी कभी होता है कि कुछ अलग पैटर्न पे चलता है, लेकिन जैसा प्रश्न हो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न करना पड़ता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। कितने दिन के लिए भाई? तो देखें, 200 सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए? 31 दिन का पर्याप्त भोजन था, यानी M1D1 वाली कॉन्सेप्ट लगाना है।
27 दिन के बाद, ये देखिए टाइप थोड़ा सा चेंज है, 27 दिन के बाद यानी 27 दिन टोटल 200 जो थे सैनिक वही खा रहे हैं। तो यानी आप करेंगे कि 200 सैनिक कितने दिन खाए, 27 दिन खाए, प्लस बाद में 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए, 200 सैनिक में से 120 सैनिक छोड़कर चले गए, तो बचे कितने, 80। कितने 200 थे उसमें से 120 चले गए, तो शेष सैनिकों के लिए बाकी यहां कितने दिन और चलेगा, तो यहां से आप क्या कर लें, डी। एक कॉन्सेप्ट है ये कि इसको आप सॉल्व कर लें, इससे आ जाए, नहीं तो इसके अलावा भी तरीका है। इसको आप क्या करें, पहले पहले इसको इधर करें, 200 गुणे 31 माइनस 200 गुणे 27 बराबर यहां आ जाएगा 80 गुणे डी। तो यहां से आप करें 200 कॉमन ले लेंगे तो 31 माइनस 27 और बराबर 80 गुणे डी। यहां से 200 गुणे 31 में से 27 जाएगा तो 4 आएगा बराबर 80 गुणे डी। तो यहां देखें आप काट दीजिए 100 से 4 इकन्नम 4, 4 दूना 8 और ये आ जाएगा 10। तो डी बराबर 10 दिन, कितना दिन, 10 दिन, यानी भाग दे दीजिएगा आएगा 10 दिन। तो आंसर आपका 10 दिन ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक तरीका ये, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है कि कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है, वैसे सही है टाइप तो यही, लेकिन इससे भी शॉर्ट तरीका है अगर समझ सकें आप। 200 सैनिक थे, अच्छा ये बताइए 200 सैनिक थे, 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, 27 दिन के बाद यानी 27 दिन बीत चुका है, 27 दिन बीत चुका तो बचा कितना दिन, 4 दिन, 31 में से 27 चला गया तो 4 दिन बचा, तो 4 दिन के लिए 200 सैनिक के लिए 4 ही दिन का भोजन पर्याप्त है। लेकिन हुआ क्या, उसमें से 120 सैनिक चले गए, तो 200 में से 120 सैनिक चले जाएंगे तो कितने सैनिक बचेंगे, 80, और ये कितने दिन भोजन खाएंगे, बस ये कर लेना है M1 D1 बराबर M2 D2 का कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। तो यहां से काट देंगे तो D बराबर 200 गुणे 4 भागे 80, तो ये 0 0, 4 इकन्नम 4, 4 दूना 8 और ये आ जाएगा 10। तो D बराबर कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए पर्याप्त होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका सी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 व्यक्ति एक कार्य 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, इस पैटर्न पे सवाल एग्जामों में हमेशा आ रहा है, तो देखते जाइए और वहां प्रश्न करते रहें। 40 व्यक्ति एक कार्य 15 दिन में, यानी M1 D1 वाला कॉन्सेप्ट है, M1 D1 M2 D2, 40 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा कराना है, यानी 15 दिन जो चल रहा है उसके 3 दिन पहले पूरा करा देना है, यानी कार्य कितने दिन चलना चाहिए, 12 दिन, तो 12 दिन चलाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, M2 करें, तो यहां M2 बराबर 40 गुणे 15 भागे 12, तो 4 3 12, 4 10 40, 3 1 3, 3 5 15, तो 10 5 50, 50 व्यक्ति और चाहिए, और नहीं चाहिए, 50 व्यक्ति टोटल चाहिए। अब 50 व्यक्ति में, 50 व्यक्ति 12 दिन में खत्म कर लेते अगर होते तो, अच्छा ये बताइए 50 आदमी चाहिए लेकिन 40 आदमी तो पहले से ही है वहां पे, तो कितने व्यक्ति और चाहिए, तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे, यानी कि 10 व्यक्ति आपको नियुक्त करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। आंसर कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट है। बस छोटा सा है कि M1 D1 बराबर M2 D2, हाँ अभी W1 H1 या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो कार्य सेम सेम है,
तो W1 W2 की जरूरत नहीं है प्रश्नों में। चले उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि 40 व्यक्ति 15 दिन में, तो 40 × 15, यदि वही कार्य 3 दिन पहले कराना है तो 12 दिन में कराना पड़ेगा, यानी 15 में से 3 दिन क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो 12 दिन में कराने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो M2, यहाँ से M2 बराबर 50 व्यक्ति, यानी अगर 12 दिन में काम कराना है तो 50 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। हमारे पास पहले से कितने हैं, 40, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए, 10 चाहिए, यानी 10 व्यक्ति अधिक नियुक्त करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, बहुत बेहतरीन सवाल है, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिन में पूरी कर सकते हैं, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। याद देखिए, एक तो प्रश्न कभी यहां पे आता है और कभी यहां पे और होता है, तो और वाले में और का मतलब होता है प्लस करना है, और या का मतलब होता है बराबर, या का मतलब बराबर, यानी चाहे 12 पुरुष लगाएं चाहे 18 स्त्री लगाएं, दोनों में स्त्री लगाना है तो 18 लगाना पड़ेगा और पुरुष लगाना तो 12 लगाना पड़ेगा। तो यहां देखें, आप एक काम करें, पहले स्टेप ये चलना है, स्टेप फर्स्ट, 12 पुरुष या 18, 12 मैन बराबर लिख लें आप 18 वुमेन के, ठीक है दोस्तों, तो 12 मैन बराबर 18, तो एक मैन बराबर आप लिखेंगे 18/12 वुमेन, जहां इसको सॉल्व कर देंगे 6 × 18, 6 × 12, एक मैन बराबर 3/2 वुमेन आ जाएगा। इसी को स्टेप सेकंड में कर लेना है, स्टेप सेकंड में ये कर लेना है कि अब पूछा क्या है, कितने आदमी चाहिए, 8 पुरुष 8 मैन लगाना है, और तथा हो या और हो इसका मतलब प्लस, 16 वुमेन लगाना है, तो ये काम कितने दिन में करेंगी ये पूछ रहा है। तो पहले ये आदमी को पहले पुरुष बना लो, तो 8 × 3/2 एक आदमी प्लस 16, तो ये काट देंगे तो 2 × 4 = 4, 3 = 12, 12 + 16 = कितना, 28 वुमेन, कितना 28 वुमेन। यानी अब यहां प्रश्न है 18 स्त्रियां कितने दिन में करती है, 14 दिन में, तो यहां से स्टेप थर्ड में लगाना है M1 D1 = M2 D2, तो M1 यानी 18 स्त्रियां कितने दिन में, 14 दिन में, तो बताइए 28 स्त्रियां कितने दिन में करेंगे, तो D2, तो ये 14 × 14 = 14, 14 × 2 = 28, यानी D2 = 9 दिन। तो इस तरीके से प्रश्न हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 स्टेप चलना है इस कंडीशन से। पहले बराबर कर लें, 12 पुरुष बराबर 18 स्त्री, तो एक आदमी बराबर कितने वुमेन, तो 3/2 वुमेन। प्रश्न पे जाएं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां, 8 मैन प्लस 16 वुमेन कितने दिन में करेंगे, तो इस मैन को वुमेन बना लो, 8 × 3/2 + 16, तो ये 12 आ जाएगा, तो 12 + 16 = 28 वुमेन, यानी 28 वुमेन इसी कार्य को, इसकी जगह टोटल आपका भाई, इसकी जगह मतलब टोटल 28 स्त्री अगर लगा दो, 28 वुमेन लगा दो तो सेम है, चाहे 8 पुरुष तथा 16 स्त्री लगाओ या 28 वुमेन ही लगा दो, तो 28 वुमेन कितने दिन में करेगी, फिर यहाँ 18 स्त्रियां 14 दिन में, तो 28 स्त्रियां कितने दिन में, तो M1 D1 का फार्मूला लगा के कर सकते हैं। चले इसी प्रश्न को थोड़ा और शॉर्ट तरीका है कि 12 मैन या 18 वुमेन इसी काम को 14 दिन में करते हैं, और ये कह रहा है कि ये बताइए 8 पुरुष प्लस 16 स्त्रियां इस कार्य को कितने दिन में करेंगी, तो यहां क्या करें, इन तीनों का गुणा कर लें, ऊपर क्या करें, ऊपर तीनों का गुणा एक साथ करें, तो 12 × 18 × 14 कर लिया, डिवाइड बाई,
12 मेन इसका इसका आपस में गुणा करें तो 16 बरहिया में होता है, 16 बरहिया में 192 प्लस इसका इसका एक साथ गुणा करें, 18 अट्ठे 144, दोनों को जोड़कर भाग दे दें तो 4 दो 6, 9 4 13, 1 1 2 1 3, 336। 12 से भाग दें, 12 इक्यानम 12, 12 दूनी 24, 24 8, 24 9, 33 33 और 96, 12 अट्ठे 96, तो 14 इक्यानम 14, 14 दूनी 28, 2 से काट देंगे तो ये 9 दिन लग जाएगा। यानी जब या हो तो तीनों का ऊपर एक साथ गुणा कर लें, रख दीजिए डिवाइड बाय इसका गुणा इसका गुणा औरत के साथ करके और इसका गुणा इसके साथ करके दोनों को जोड़कर क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो इस तरीके से भी प्रश्न आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, 15 भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का मान होगा। 15 भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान होगा। तो यहां पे सबसे आसान तरीका है कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण इन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश। कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, कितना होगा, 180 अंश। हमेशा अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का मान 180। सीधे सीधे 15 भुजा वाला है तो सभी वहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है, सभी वहिष्ठ कोणों का योग 360 होता है। तो प्रत्येक का अगर निकालना है तो देखो 360 भागे 15 कर लो तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 24 डिग्री। कितना, 24 डिग्री। यानी प्रत्येक वहिष्ठ कोण का मान आ गया आपका 24 डिग्री, जिसमें भुजा 15 होगी उसका प्रत्येक वहिष्ठ कोण 24 डिग्री। अंतः कोण चाहिए तो वाय कोण से घटा दो, अंतः कोण बराबर, अगर वाय कोण का मान यहां 24 डिग्री रख दें तो घटाएंगे 180 माइनस 24 तो ये आ जाएगा 156 डिग्री। कितना, 156 डिग्री। तो 156 डिग्री आंसर हो जाएगा। यानी अंतः कोण प्लस वाय कोण का मान हमेशा 180 अंश होगा। सभी वहिष्ठ कोण का योग 360 होता है। प्रत्येक वहिष्ठ कोण का मान निकालना हो तो भुजाओं से भाग दे देंगे 360 में, तो भुजाओं से भाग दे देंगे 360 में, 15 से भाग देंगे 24। ये प्रत्येक वहिष्ठ कोण का मान अगर 24 डिग्री है तो इसमें आप प्रत्येक वहिष्ठ कोण का मान रख दें और अंतः कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 156 डिग्री ये करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, इस पे प्रश्न आ रहा है, अभी आया था कि अंतः कोण और वाय कोण ये इसका अनुपात दिया था 2:1। एग्जाम में आया वो प्रश्न है कि अंतः कोण और वाय कोण का अनुपात 2:1 है तो बताइए कि अंतः कोण का मान क्या होगा, अंतः कोण का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए अंतः कोण और वाय कोण दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो दोनों को जोड़ लो, 2x प्लस 1x बराबर कितने के, 180 अंश के। 3x बराबर कितना, 180 अंश। तो x बराबर कितना, 60 अंश। कितना, 60 अंश। ये चुटकी भर का सवाल है, हो जाना चाहिए था और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है आर्मी जीडी के। 3x बराबर 180 तो x बराबर 60 अंश। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन ले। कभी कभी इसी प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालने के लिए फार्मूला है, प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालने के लिए फार्मूला है n माइनस 2 गुणे 180 बटे n। इसमें भी आप रखकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी n की जगह कितना, 15 माइनस 2 गुणे 180 अंश भागे 15, तो ये 15 से 2 हो जाएगा तो 13 गुणे 180 अंश भागे 15 बरहिया में 180 तो 13 बरहिया में 156 डिग्री। ये भी आप वैल्यू रखकर इसका निकाल सकते हैं। अगर वो वाला नहीं समझ में आया तो ये और इसको याद रखें, हो सकता है कि
आपका फार्मूला ही पूछ लिया जाए प्रत्येक अंतःकोण मान निकालने के लिए n माइनस टू गुड 180 बटे n, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 35 हो तो वह कौन सा बहुभुज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में आया था कि 44 विकर्णों वाले में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 44 भुजा वाले तो आपकी 35 है, तो इसमें अगर देख लीजिए कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो सबसे पहले तो आपको विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए। विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला आपको, विकर्णों की संख्या बराबर एन एन गुणे एन माइनस थ्री और बटे में दो, जहां एन क्या है, भुजाओं की संख्या है, एन एन माइनस थ्री बाई टू, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला एन एन माइनस थ्री बाई टू। तो याद रखें, इसमें ऑप्शन से आप करिएगा कि यहां विकर्णों की संख्या निकालना है तो विकर्ण में 35 जिसमें विकर्ण है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते हैं विकर्ण निकालने के लिए एन एन माइनस थ्री बाई टू होता है, तो विकर्ण हमको निकल जाएगा। आप ऑप्शन ले 6, तो यहां अगर एन की जगह 6 रखेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बटे 2, तो 2 ये काट देंगे तो 9 विकर्ण मिलेगा। ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ले 8 रखें, 8 गुणे 8 में से 3 जाएगा तो कितना, 5 भागे 2, तो काट देंगे तो 5 चौका 20 विकर्ण मिलेगा, यानी ये भी ऑप्शन गलत। सी लीजिए 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 भागे 2, तो काट देंगे तो 7 बच्चे 35 विकर्ण, कितने विकर्ण, 35 विकर्ण, और हमको कितने विकर्ण दिखाना है, 35 विकर्ण, तो 35 विकर्ण वाले में 10 भुजा होगी, 35 विकर्ण वाले में 10 भुजा। 15 के लिए अगर पूछा होता तो 15 में से 3 जाएगा तो 12 भागे 2, तो 2 छक 12, 15 छक्का 90 विकर्ण, कितने विकर्ण, 90। और ये जो जिसमें आया था 44 विकर्ण, उसमें भुजाओं की संख्या 11 होती है, कितनी होती है, 11 होती है, याद रख लें। और विकर्णों की संख्या निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना पड़ेगा, किसी शिफ्ट में आ सकता है क्वेश्चन। चले ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में देखे जा रहे हैं, 45 अंश का कोटि पूरक कोण बराबर है, कोटि पूरक कहे या पूरक कहे या रिज पूरक कहे, क्या कहे, रिज पूरक कहे, ये सारे आपके एक ही हैं। इसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको ना समझ में आए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लेना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी ये होता क्या है, ये होता ये है भैया कि दो कोणों का योग यानी इन दोनों कोणों का योग मिला के, यानी दो कोणों का योग मिला के जब क्या हो, दो कोणों को मिलाने पे एक और ये दो, दोनों कोणों को मिलाने पे जब 90 अंश हो तो वहां कोटि पूरक होता है। 45 अंश का कोटि पूरक पूछा जाए तो 90 में से 45 घटा दीजिए तो ये 45 मिला, तो 45 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 45 अंश होगा। अगर हमसे कहा था 30 अंश का कोटि पूरक क्या होगा, तो 30 अंश का, तो 90 में से 30 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 60। अगर हमसे बोलता 25 अंश का कोटि पूरक कितना होगा, तो 25 में क्या करेंगे, 90 में से 25 घटा देंगे, 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा, कितना आएगा, 65। यानी कोटि पूरक के लिए आपको 90 योग करना है, यानी दो कोणों को योग 90 अंश के बराबर होगा तो वो कोटि पूरक। कोटि पूरक यानी दो कोणों का योग कितने के बराबर, 90 के बराबर। तो अगर एक दिया है जो, उसमें कितना जोड़ देंगे, 90 हो जाए, बस यही करना है। और अगर यहां समपूरक दिया होता, संपूरक, तो दो कोणों का योग कितना, 180, कितना, 180। जैसे अगर 30 अंश का संपूरक पूछा होता तो संपूरक, तो उसमें 180
माइनस 30 तो 150 अंश। तो यानी जब पूछा जाए समपूरक तो याद रखें 180, दो कोणों का योग 180 अंश, और जब पूछा जाए कोटपूरक या पूरक तो दो कोणों का योग 90 अंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र पूछ रहा है। किसी बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग का फार्मूला का सूत्र, यानी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग के लिए फार्मूला है n माइनस 2 गुणे 180 अंश। कितना? n माइनस 2 गुणे 180 अंश। तो यहाँ पे कोई है सभी अंतःकोणों का योग फार्मूला? तो किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए देख लो भाई, योग ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करना है, n माइनस 2 गुणे 180 अंश। अगर ये सही है, अन्यथा एक फार्मूला और हो सकता है, 2 गुणे n माइनस 2 गुणे एक समकोण, कभी कभी ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये है योग ज्ञात करने के लिए ये, और प्रत्येक के लिए बोला जाएगा, प्रत्येक कोण के लिए, प्रत्येक अंतः कोण के लिए, तो आप n माइनस 2 गुणे 180 डिवाइड बाई n करना है। और विकर्णों के लिए फार्मूला पहले ही बता चुका हूं। तो ये आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो कि आने वाले प्रश्न पेपरों में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए अपने को रिवाइज करते रहें और बार बार अपना फोकस बनाए रखें पेपरों पे, जब तक पेपर आपका समाप्त नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।